हेलो नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड गाइस आज है लास्ट डे इन मनाली। अब हम निकल रहे हैं शिमला के लिए और डायरेक्ट शिमला नहीं जाने वाले, उसके पहले हमारा स्टॉप है कसोल और कुल्लू में। उधर भी चार पांच जगह है घूमने के लिए, हम लोग ने दो तीन जगह ही जाएंगे कि बाकी हमको इतना खास लगा नहीं। और कसोल और कुल्लू में इसलिए स्टे नहीं कर रहे क्योंकि पॉइंट नहीं था, हम कहे डायरेक्ट शिमला में स्टे करेंगे। और ये देखिए हमारा जो रूम चेंज हुआ उससे हमारी ये व्यू है, पूरा वैली व्यू है, रैप अराउंड बालकनी है। और रात में हम लोग इधर ही बैठे थे, बहुत ठंडी थी यार और बहुत मज़ा आया। और मनाली में तो बहुत मज़ा आया ही आया। तो चलिए पैकिंग हो गई है, हम रेडी हो चुके हैं और थोड़ा इधर मनाली का व्यू एंजॉय करेंगे और फिर बोलते हैं मनाली को बाय और चलते हैं टूवर्ड्स शिमला। भुर्जी और पहला डेस्टिनेशन अपना नागर कैसल। तो कितना टाइम दिखा रहा है, आधा घंटा दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले नागर कैसल जाते हैं, उधर ही आर्ट गैलरी भी है और ये है कुल्लू में ना। कुल्लू में ये है कैसे, ये है क्या होटल है क्या, समझ नहीं रहा मेरे को अभी। इधर अच्छे होटल है, कैसल था जो अभी होटल में कन्वर्ट हो गया है। फाइनली कोई तो सोलार लगाया इधर। सो वी हैव रीच्ड नागर कैसल। और कैसल कम होटल ज़्यादा लग रहा है ये तो, आई गेस कोई हेरिटेज साइट है जिसे अब होटल में बना दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, बहुत ऊपर है बस व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए व्यू बहुत ही प्यारा है, सोचिए स्नो इस पे जब उतरेगा क्या मस्त लगेगा ये। भाई जब ऐसे एंट्री करो वो बनाते हैं रिश्तों के नए रूप बदलते हैं। अरे पागल हो गया, अरे मजा आएगा क्या, ये अपना घर थोड़ी ना, पर अच्छा है पर ठीक है यार। ऐसा हम सोच रहे थे कुछ बहुत बड़ा कैसल रहेगा मगर ये तो ठीक है, लेकिन ठीक है व्यू अच्छा है, होटल है ये, व्यू बहुत अच्छा है। इधर स्नोफॉल हुए, मस्त चाय रहे साथ में। और ये है मंदिर, तो नागर कैसल हमारा देख के हो गया है जैसे अच्छा था ये तो। अभी मेरे को बोलता है देखना क्या था इसमें। इधर एक्चुअल में इसको शायद से होटल में इन लोग ने कन्वर्ट कर दिया है, अभी आर्ट गैलरी है शायद से, इधर ही आसपास ही है। अब वहाँ चलते हैं, वो भी ठीक लगा तो तुरंत निकल जाएंगे कसोल के लिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ट्राई करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शिमला पहुँचे। चलिए अमित भैया, कैसल के सामने ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये देखिए इसका सेटिंग अरेंजमेंट है यहाँ और व्यू है ये। वे टू म्यूजियम एंड हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट। कम ऑन भाई, आला सर आगे थोड़ा ही ऊपर है। सो गाइस आर्ट गैलरी तो हम लोग पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे जैसे थोड़ा ही ऊपर है यार, मगर हमें ये नहीं पता था कि अराउंड 500 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसको देखने के लिए। इट बेटर बी गुड नाउ। और हाँ एक और चीज़ यार मेरा भी ध्यान आया, आज क्रिसमस है तो अब मैरी क्रिसमस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आपका क्रिसमस बहुत ही हैपनिंग गया, मेरे जैसा ऐसा पहाड़ चढ़ने वाला नहीं गया। ये वीडियो जब तक जाएगा क्रिसमस तो हो चुका रहेगा। फाइनली ये बस ये कितना है, फाइनली ये बहुत मस्त लग रहा है ये वॉल।
पूरा मैप बनाया भाई सबका। ये ऑफिस भाई भाई अब तक प्रिजर्व करके रखा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये वो डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल के अंदर डॉल रहता है रशियन डॉल है, तो इसका नाम तो रशियन डॉल है भाई। मान बहुत प्यारे डॉल से यार। वो रे सेट दुर्गा माँ की मूर्ति, ये भगवान की मूर्ति सारा। यहाँ से गिरे तो डायरेक्ट रोल होते हुए हम नीचे जाएंगे और हमारा आर्ट गैलरी हो गया है। मुझे तो मज़ा आया क्योंकि पर्सनली मुझे आर्ट पसंद है, हिस्ट्री की चीज़ें पसंद है, हिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं था मगर हिस्टोरिक चीज़ें पसंद है और बहुत अच्छे आर्ट थे। व्हाट अबाउट यू माय फ्रेंड? अरे ये देखिए भाग गया, इसको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इसको फटे फका इधर। हाँ रिप्लाई ठीक है, नेशन वांट्स टू नो। अच्छा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पसंद नहीं आया ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ना, नाइस। प्रिजर्व करके रखा है काफी विंटेज चीजें, एंशिएंट चीजें, अच्छी बात। और अब हम डायरेक्ट निकलेंगे टू कसोल, लेकिन पढ़ाई भी करें है ना, अपनी जो हॉबी। गाइस तो हम मणिकरण साहिब के रास्ते में थे और ऐसी गाड़ी पार्क कराए साइड में क्योंकि ये देखिए हमें क्या मिला है। ये तो पूरे रास्ते साथ में ही रिवर फ्लो करता ही है मगर इधर एकदम नीचे साइड है हम लोग अभी तो आ गए हैं और भाई क्या ही दिख रहा है। ये बेसिकली वैली, इधर पार्वती वैली भी आ गई है और तीरथ वैली भी आई गेस आ गई है मगर इधर अच्छा खासा स्पॉट है यार ये। और अंकित किधर है? बोला ना स्लिपर ही रहेगा, आराम से जाओ। बैंड है। भाई ठंडी बहुत लग रही है। मजा आ रहा है। मजा आ रहा है भाई, बहुत ठंडी लग रही है। पानी में जाओ, एक एक डुबकी, एक डुबकी। ये देखिए पीछे, एक तो आवाज इतनी प्यारी लगती है ना रनिंग वाटर की मगर बस रिवर वाली, ओशन का मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे बस रिवर के रनिंग वाटर का आवाज अच्छा लगता है। और ठंडी ऊपर से ये मौसम, वैली में हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा चिल करेंगे एक बार अभी और फिर ही जाएंगे ऊपर। आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मगर इनकेस आप कसोल आ रहे हैं तो ऐसे जरूर वैली के पास में बैठना, रिवर बैंक पे बहुत मजा आती है। मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ ना। देखिए अभी नाक लाल हो गई है भाई। अमित भैया किधर है? अच्छा अमित भैया फोन पे लगे हुए हैं आज अभी। हाँ फोटो खींच देता हूँ तुम्हारी। और ये बन रही है हमारी मैगी, ये है व्यू, इधर खाएंगे मैगी हम। तो मैगी फाइनली व्यू के साथ मैगी। ये हमारी मैगी आ चुकी है भाई, मैगी वाले, ये मैगी वाले एंड मैगी विद दिस व्यू। सो वी हैव रीच्ड मणिकरण साहिब, अब फटाफट चलते दर्शन कर लेते। गाड़ी थोड़ा आगे पार्क किया हम लोगों ने क्योंकि इधर पार्किंग का बहुत इशू है और इधर वो देखो शायद से उधर से धुआं निकल रहा है, वो शायद से हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ पे। नहाओगे? नहा लेना। अरे नहा लेना।
अरे जन्म मरण पे पागी ए तीन हाथ तेरी सीमा। गाइस दर्शन हो चुका, बहुत ही अच्छे से हुआ। क्राउड थोड़ा ज़्यादा था बाहर, मगर अंदर बहुत कम क्राउड था और दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। और बेस्ट पार्ट ऐसे ट्रिप का मेरे को यही लगता है कि चलो घूमने की जगह तो ठीक है, मगर ऐसे जब रिलीजियस प्लेसेस पे दर्शन करने मिलता है तो बोलते ना वो बेस्ट चीज़ हो जाती है। तो आप किधर अंकित भाई? कसो देख लेते हैं, कुछ एक्सप्लोर करने हो तो ठीक है, वरना फिर शिमला निकल जाएंगे। फिर शिमला निकल जाएंगे डायरेक्ट। तो अभी देखते हैं पार्वती वैली अगर पास में रहा तो चलिए वहाँ चलते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑन आवर वे टू शिमला। जाना है क्या नेचर्स पार्क? हटाओ। हाँ हाँ, नेचर्स पार्क मिस करते हैं। पार्वती वाली इधर भाई, चिड़ियों की आवाज सुनो, कितने लाख है क्या इधर? देखो ये देखो ना सर, ऊपर भी देखो पूरा, ये देखो भाई। हाँ लगी ट्रिप चल रही है सबकी। रोटी कर दो, तंदूरी बटर, बटर बटर तंदूरी कर दो, दो दो एक, पहले एक करो यार। कोई नहीं, पहले तीन जाऊंगा। हाँ नहीं सुनो तो सही। मैं इसके लिए बोल रहा था यहाँ से लाइट मारता था ना तो उतना भूख नहीं। ठीक है चलेगा। तो अभी हम रुके हैं, 5:30 ही बज रहा है, खाना खाने रुके और यहाँ लाइट नहीं है होटल में। तो अब तो खाना अच्छा रहे, उसके बाद 6 घंटे का ड्राइव है टू शिमला, तो फटाफट खाना खाएंगे और निकलेंगे। तो ऑब्वियसली मिडनाइट के बाद ही पहुँचने वाले हम शिमला, खाना खा लेते हैं पहले। यहाँ अमित भाई का तो फ़ोन छूटता ही नहीं है। अमित फोन रखो यार, ये भाई ये हाफ है, फुल होता तो क्या होता। बस बस बस, ये रोटी आ गई। सो गाइज हम फाइनली शिमला पहुंच चुके, 1:30 बज रहा है और बस अब बहुत आ रही है नींद। तो ये ब्लॉग में यही एंड करता हूँ। आज का दिन बहुत मजेदार था यार, खास करके कसोल। तो अगर आप भी इनके आ रहे हो तो कसोल जरूर विजिट करना। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी हिमाचल आऊंगा कसोल में स्टे जरूर करूंगा, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। और ये ब्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।